मेरे अजीजो, ख्वाब जो है इसके बारे में हदीस पाक में भी है, मोमिन का देखा हुआ ख्वाब अक्सर सच हुआ करता है। बल्कि फरमाया गया नबुव्वत का 46वां हिस्सा है, मतलब ये है कि सच्चाई हुआ करती है। और अल्लाह तबारक व तआला जब अपने मोमिन बंदों को किसी बात से अलर्ट करना चाहता है तो ख्वाबों के ज़रिए से उन्हें पैगाम देता है। लेकिन ख्वाबों की ताबीर जानना यह हर कस व नाकस का काम नहीं है। अहले गैरे नत्थु खेरे ख्वाबों की ताबीर नहीं बता सकते। ख्वाबों की ताबीर एक इल्म है बाज़ाब्ता, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का जानना ज़रूरी है। और ख्वाब देखे हो तो हर किसी से बयान भी मत करो। फरमाया गया कि उससे बयान करो जो ख्वाबों की ताबीर का इल्म रखता है, आलिम दीन है या आलिम बामल है, उसके पास तुम अपने ख्वाब बयान कर सकते हो। हर एक के सामने ख्वाब बयान करना भी नहीं चाहिए, मोमिनों को एक आ गया है। यहाँ बीच में रुक करके मैं इतनी बात कह दूँ, ये ज़रूरी नहीं कि जो कुछ भी देखा जाए वही चीज़ नज़र आए, हर चीज़ का कुछ अलग अलग माना होता है। हज़रत मोहम्मद बिन सीरीन रदी अल्लाह तआला मशहूर ताबई हैं, ख्वाबों की ताबीर के इमाम हैं। आपसे पूछा गया ख्वाब में अजान देते हुए देखे तो क्या है, अजान देते हुए अगर देखा तो उसकी ताबीर क्या होगी, उसका माना क्या हो सकता है। तवज्जो चाहता हूँ, सिर्फ झट से ऐसी ही ताबीर नहीं बता दी जाएगी कि अजान देते हुए देखे हाँ इसका माना ये। पहले ये देखा जाएगा कि देखने वाला कौन है, ख्वाब देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, देखने वाला कैसा है। तो दो ताबीरें आती हैं इसकी, अगर देखने वाला शरीफ आदमी है, नेक आदमी है, तो इसका मतलब ये है कि अनकरीब वो हज पर जाएगा। अजान देते हुए देखा या सुना, और वो भी कुरान की आयत से उन्होंने साबित किया, वाअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज, अजान देते हुए अगर नेक आदमी ने देखा, पाबंद सौम सलात है, तो उसका माना है कि वह हज पर जाएगा। और अगर फासिक व फाजिर है, बेअमल है, उसने देखा अजान देते हुए, तो इसका माना यह है कि अनकरीब वो चोरी में पकड़ा जाएगा। जमीन आसमान का फर्क है ताबीरों में, एक ही अजान है, देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। एक हज पे जा रहा है और एक जेल जा रहा है, चोरी में पकड़ा जाएगा, उसको भी उन्होंने कुरान की आयत से साबित किया। फअज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिकून, कुरान पाक में ये भी, ये दोनों जगह पर अजान का लफ्ज़ आया। इसी तरह से एक और बात मैं अर्ज़ कर दूँ, हजरत ज़ुबैदा खातून जो खलीफा हारून रशीद की बीवी हैं, उन्होंने एक रात ख्वाब देखा था, बहुत भयानक ख्वाब देखा, बहुत सारे मर्द मिल करके उनकी इज्जत लूट रहे थे, इस्मत दरी कर रहे थे, वो डर गई सुबह उठ करके। ये वही ज़माना है जब हज़रत मोहम्मद बिन सीरीन मौजूद थे। ज़ुबैदा खातून ने अपनी एक खादिमा को बुलाया और कहा हज़रत मोहम्मद बिन सीरीन के पास जा, एक ख्वाब की ताबीर पूछ कर क्या, लेकिन ये कहना कि तूने देखा ख्वाब। ऐब है ना, बादशाह की बीवी अगर ऐसा ख्वाब देखी है तो शर्मिंदगी की बात है कि क्या क्या देखती है ख्वाब में, लोग बातें बनाएं। तो खादिमा से कहा कहना कि तूने देखा। वो गई खादिमा और जा करके हज़रत मोहम्मद बिन सीरीन से कहती है कि हुज़ूर कल रात मैंने एक भयानक ख्वाब देखा है। कहा क्या देखा? कहा बहुत सारे मर्द मिलकर मेरी इज्जत लूट रहे थे, इस्मत दरी कर रहे थे। तो हज़रत मोहम्मद बिन सीरीन ने ख्वाब पूरा सुनने के बाद पूछा तू क्या करती है, तू क्या करती है? तो उसने कहा मैं कनीज़ हूँ, दरबार की कनीज़ हूँ, खादिमा हूँ। हज़रत मोहम्मद बिन सीरीन हंसने लगे, कहा तेरी हैसियत ही नहीं, तू ये ख्वाब देख ही नहीं सकती, तूने नहीं देखा ये ख्वाब, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। उसने कहा आपको इससे क्या मतलब? कहा बता सही किसने देखा, मैं ताबीर बता दूँ। उस खादिमा ने कहा आपने तो पकड़ लिया है, ये मेरी मलिका ज़ुबैदा खातून ने देखा। तो हज़रत मोहम्मद बिन सीरीन ने कहा ठीक है, जाओ अपनी मलिका अपनी ज़ुबैदा से ये बशारत दे देना कि इस ख्वाब की ताबीर कोई घिनौनी नहीं है,
अनकरीब वो एक ऐसा काम करेगी जिससे पूरी उम्मत फायदा उठाएगी, नेक काम करेगी। और इस ख्वाब की ताबीर ही है कि जुबैदा खातून ने दरियाए दजला से लेकर अरफात के मैदान तक एक नहर बनाई हाजियों के पानी पीने के लिए। हाँ, एक नहर जुबैदा खातून ने अपने पैसों से बनवाई थी। हाजी अरफात के मैदान में बड़े प्यासे होते थे, वहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं, तो उसने पानी का इंतज़ाम करवाया और वो नहर जुबैदा की बाकियात और आसार आज भी मौजूद हैं मक्का में, आज भी हैं। और जानते हैं उस नहर से 1200 साल तक हाजी पानी पिया करते थे। तो एक उम्मत, बहुत बड़ी उम्मत ने नफ़ा उठाया। तो ख्वाब का मतलब ये नहीं है कि जो देखा वही हो जाएगा। कभी कभार मौत की ताबीर ज़िंदगी से है, किसी के इंतकाल की ताबीर उसकी ज़िंदगी से की जाती है।